ओके हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन के टैन इनवर्स के या फिर कॉट इनवर्स के इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. ओके तो अभी तक आपने देखा था कि लॉग अगर आता है, मुझे अगर फाइंड आउट करना है कि लॉग का इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, टैन इनवर्स का इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है या फिर कॉट इनवर्स का इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है ना, ये अगर सब कुछ आपको निकालना है तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखते हैं आज के लेक्चर में. तो इसके लिए आपको एक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी. ओके आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन में, कौन सा टॉपिक, कि अगर किसी फंक्शन के साथ t टू दी पावर n मल्टीप्लिकेशन में आता है और मुझे इसका लैपलेस निकालना है तो इसका लैपलेस कैसे निकाला जाता है. क्लियर है ये टॉपिक या फिर ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी. तो इसके लिए फार्मूला क्या है, सपोज करो कि f ऑफ t को अगर t टू दी पावर n मल्टीप्लाई करना है, क्लियर है, तो अगर मुझे इसका लैपलेस निकालना है तो फार्मूला होता है माइनस वन टू दी पावर n, जितना पावर t को रहेगा उतना पावर माइनस वन को रहेगा. ओके जितना पावर t को रहेगा उतनी बार आपको डेरिवेटिव करना है, ठीक है, किससे करना है, विथ रिस्पेक्ट टू s से. ओके किसका डेरिवेटिव करना है, ये जो f ऑफ t रहता है, ठीक है ना, ये जो f ऑफ t रहता है इसके लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का डेरिवेटिव करना है. ठीक है पहले f ऑफ t का लैपलेस निकालो, ठीक है, f बार ऑब्वियस होता है, उसको n टाइम डिफरेंशिएशन करना विथ रिस्पेक्ट टू s से और उसके साथ माइनस वन को पावर कितना देना, n देना, ठीक है, क्योंकि t को पावर n है. अगर t को पावर 1 है तो 1 टाइम डेरिवेटिव करो माइनस 1 को पावर 1 आएगा, t को पावर 2 है तो 2 टाइम डेरिवेटिव करो माइनस 1 को पावर 2 आएगा. ओके लाइक दैट. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे f ऑफ t का लैपलेस f बार ऑफ s होता है. ओके तो इसका मतलब इसका उल्टा क्या होगा कि f बार ऑफ s का इनवर्स कितना होता है, f ऑफ t होता है. क्लियर है, तो इससे मैं एक फार्मूला अब इनवर्स का यहां से फार्मूला रिड्यूस करूंगा. ओके ना देखो कैसे, यल इनवर्स अगर मुझे निकालना है मैं क्या करूंगा, ये जो यल है ना ये राइट में लेके जाऊंगा, ठीक है, और ये जो माइनस वन टू दी पावर एन है ये मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में चला जाएगा. ओके अगर माइनस वन को पावर एन जो है वो डिवीजन में चला गया, ठीक है, इसको ऊपर लेके जाओ तो ये सेम ही होगा, माइनस वन को पावर माइनस एन वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है. ओके तो माइनस वन को पावर ये क्या होगा, एन ही होगा. ओके तो मैंने माइनस वन को पावर लेफ्ट में ले गया तो ये बन जाएगा आपका माइनस वन को पावर एन रहेगा. क्लियर है, तो एल को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा एल इनवर्स, ठीक है ना, किसका एल इनवर्स, डेरिवेटिव का, किसके डेरिवेटिव का, एफ बार ऑफ एस के. ओके तो f बार ऑफ s का अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू s से तो l इनवर्स ऑफ dn अपॉन ds टू दी पावर n f बार ऑफ s इज इक्वल टू, ये क्या होता है, ये होता है माइनस वन टू दी पावर n, ठीक है, l तो इधर लेके l इनवर्स तो यहां पे बचेगा कौन, माइनस वन टू दी पावर n t टू दी पावर n और इंटू f ऑफ t. ओके इसका मतलब क्या होता है, देखो यहां पे आप f बार ऑफ s को डेरिवेटिव करने जा रहे हो, ठीक है ना, बिल्कुल गलत. आप एफ बार अगर आपको ये फार्मूला यूज करना तो आप ऐसे मत सोचना कि मुझे डिफरेंशिएशन करना है एफ बार ऑफ एस का, बिल्कुल नहीं. ओके आप ऐसा अज्यूम करो कि मुझे ये फार्मूला यूज करना है, ठीक है, अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, यहां पे डेरिवेटिव है इधर डेरिवेटिव है कि नहीं, ठीक है ना, आप ये फार्मूला मतलब क्या कि अगर आप एफ बार ऑफ एस को एक बार डिफरेंशिएशन करोगे, ओके तो यहां पे क्या आएगा, माइनस वन को पावर वन आएगा और टी को पावर वन आएगा एफ ऑफ टी के साथ. अगर एफ बार ऑफ एस को दो बार डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां पे कितना आएगा, माइनस वन को पावर टू आएगा, टी को पावर टू आएगा एफ ऑफ टी के साथ, ठीक है ना. तो ये इस तरीके से फार्मूला होता है, ये फार्मूला ध्यान में रखना कि यल इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस ऑफ एफ बार ऑफ एस एन टाइम्स, ओके इज इक्वल टू माइनस वन टू दी पावर एन टी टू दी पावर एन इंटू एफ ऑफ टी होता है. क्लियर है, अब इसके वजह से देखो पहला एग्जाम्पल, मुझे क्या करना है, यल इनवर्स निकालना है टैन इनवर्स ऑफ टू बाई एस का. ओके देखो तो सोल्यूशन में देखना क्या होता है, इसको सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करना, मतलब अगर एक तो प्रॉब्लम आपको आ जाएंगे तो आप पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. ओके ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस डेरिवेटिव आना चाहिए, जिसको डेरिवेटिव आ गया उसको ये प्रॉब्लम्स आ जाएंगे. तो सबसे पहले अज्यूम करना पड़ता है लेट, ओके ना लेट, कि मैं ऐसा अज्यूम करता हूं कि मुझे टैन इनवर्स ऑफ टू बाई एस का इनवर्स लैपलेस निकालना है. तो मैं अज्यूम करता हूं कि लेट कि एल इनवर्स ऑफ टैन इनवर्स ऑफ टू बाई एस, ठीक है ना, टैन इनवर्स ऑफ टू बाई एस का यल इनवर्स जो होता है वो एफ ऑफ टी होता है, मैं ऐसा अज्यूम करता हूं. ऑब्वियसली है ना, अगर एस के फंक्शन का इनवर्स लोगे तो आपको टी का फंक्शन मिलेगा, टी के फंक्शन का लैपलेस लोगे तो आपको एस के फंक्शन में आंसर मिलेंगे, करेक्ट है ना. तो मैं ऐसा अज्यूम करता हूं कि यल इनवर्स ऑफ टैन इनवर्स ऑफ टू बाई एस क्या मिलता मुझे आंसर एफ ऑफ टी. अभी आपका एम क्या है, अभी आपका एम है कि एफ ऑफ टी की वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है ना, क्योंकि इसका यल इनवर्स आपने क्या अज्यूम किया, एफ ऑफ टी, तो अभी आप एफ ऑफ टी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे. ओके अब देखो इसकी प्रोसेस क्या है, तो अगर सपोज करो कि टैन इनवर्स कॉट इनवर्स या फिर लॉगरिथम के आपको लैपलेस इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए पूछा है तो सबसे पहले एक काम करना कि इसका एल इनवर्स जो आता है, ठीक है ना, वो आता है एफ ऑफ टी, ऐसा अज्यूम करना, बाद में इस एल इनवर्स को राइट में लेके जाओगे. ओके
तो इस एल इनवर्स को राइट में लेके जाओ या फिर दोनों तरफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑपरेट करो। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, ओके, इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं एफ ऑफ टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेता हूं तो मुझे क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलता है टैन इनवर्स ऑफ टू बाई एस मिलता है, सिंपल, ठीक है ना। इस एस के फंक्शन का इनवर्स लेता हूं तो मुझे एफ ऑफ टी मिलता है, टी का फंक्शन, अगर टी के फंक्शन का लैपलेस होगा तो मुझे क्या मिलेंगे, एस के फंक्शन मिलेंगे, ओके ना। तो आपको खोजना है कि ऐसा कौन सा टी का फंक्शन है जिसका अगर मैं लैपलेस लेता हूं तो मुझे टैन इनवर्स ऑफ टू बाई एस आंसर मिलता है, ओके। तो ये आपका एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ओके। अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ कि आपको यल इनवर्स निकालना है टैन इनवर्स ऑफ टू बाई एस, आपके यल इनवर्स के फार्मूले देखना या फिर लैपलेस के फार्मूले देखना, ओके, उसमें कहीं तो भी आंसर आपका टैन इनवर्स के फॉर्म में आता है क्या, बिल्कुल भी, ठीक है। आपके जो लैपलेस के आंसर्स आते हैं, ठीक है ना, अगर आप साइन का लैपलेस लेते हो, कॉस का लेते हो, हाइपरबोलिक फंक्शन का लेते हो, टी टू दी पावर एन का लैपलेस लेते हो, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लैपलेस लेते हो, तो इनका आंसर एस के फॉर्म में मिलता है, लेकिन इसका आंसर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में नहीं मिलता है, ठीक है ना, उसका आंसर आपको अलजेब्रिक के फॉर्म में मिलता है। तो मतलब क्या, आपका आंसर वन का लैपलेस वन बाय एस होगा, ई टू दी पावर एटी का वन अपॉन एस माइनस ए होगा, साइन एटी का वन ये अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे ही मिलता है। कभी आंसर आपको लॉग के फॉर्म में मिला है क्या, नहीं। कभी आपको आंसर टैन इनवर्स के फॉर्म में मिला है क्या, नहीं, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड फार्मूले में आंसर जो है वो टैन इनवर्स कॉट इनवर्स के फार्मूले में नहीं है, ठीक है ना, वो एस के मतलब एस के फंक्शन में, लेकिन अलजेब्रिक के फंक्शन में, ओके। अब देखो, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि आपको टैन इनवर्स का तो लैपलेस पता नहीं है, इनवर्स लैपलेस पता नहीं है क्योंकि फार्मूले में आता ही नहीं है हमारे, ओके। तो मैं क्या करूंगा, टैन इनवर्स को हटा दूंगा, ठीक है ना। अब टैन इनवर्स को कैसे हटाऊंगा, टैन इनवर्स को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ओके। आपको यहाँ पे डेरिवेटिव बिल्कुल भी नहीं करना है, आप मैंने पहले बोला था आपको, ये जो फार्मूला अगर आप यूज करोगे तो यहाँ पे आपको डेरिवेटिव एज ए यूज नहीं करना है, आप क्या कर रहे हो, ये फार्मूला यूज कर रहे हो, ठीक है ना। आप बोलोगे कि सर मैं यहाँ पे दो टाइम सपोज करोगे डिफरेंशिएशन करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू यस से, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव नहीं, वो भी नहीं होगा, इसका आंसर ही नहीं बताना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन नहीं करोगे, यहाँ पे आप फार्मूला यूज करोगे, ओके ना। देखो कैसे, यूजिंग फार्मूला, ओके ना। हाँ, कौन सा फार्मूला है, देखो क्या है कि अगर सपोज करो कि आपको यल इनवर्स निकालना है, ठीक है ना, या फिर मैं यहाँ पे बोलता हूँ लैपलेस, आप यहाँ पे लैपलेस भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको लैपलेस निकालना है या फिर यल इनवर्स निकालना है, ठीक है, ये देखो ये फार्मूला ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कैसे, यहाँ पे डेरिवेटिव एल टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू यस से, यहाँ पे एफ पावर ऑफ यस, ओके, यल को इधर लेके गया तो यहाँ पे यल मिलेगा आपको माइनस वन टू दी पावर एन, टी टू दी पावर एन, और यहाँ पे एफ ऑफ टी, आप ये भी यूज कर सकते हो, चलेगा। मतलब ये देखो, ये माइनस वन को सिंपल इधर लेके गया, बाकी कुछ नहीं किया, यल जाते वहां पे और डी डेरिवेटिव जाते हैं वहां पे, ओके। आप ये भी फार्मूला यूज कर सकते हो, ये भी फार्मूला यूज कर सकते हो, ओके। तो मैं ये फार्मूला यूज करूंगा। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे डेरिवेटिव वन टाइम्स करना है, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि अगर मैं डेरिवेटिव वन टाइम्स करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू यस, किसकी डेरिवेटिव, एफ बार ऑफ एस की, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं एफ बार ऑफ एस को एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहाँ पे माइनस वन को पावर वन आएगा, यहाँ पे टी को पावर वन आएगा, किसके साथ, एफ ऑफ टी के साथ, लाइक दैट, ओके, इट इज अ लैपलेस, ठीक है ना, इट इज अ लैपलेस। समझ में आ रहा है क्या, अगर मैं एफ बार ऑफ एस को एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो आपको एफ ऑफ टी में क्या चेंज करना है, एफ ऑफ टी के साथ एक टी लिखना है और साथ में माइनस वन को पावर वन लिखना है। अगर मैं यहाँ पे दो बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो एफ ऑफ टी के साथ आपको टी स्क्वायर लिखना है और माइनस वन को पावर टू लिखना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूं, मैंने ऐसा बोला ही नहीं कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एस, मैंने ऐसा बोला है कि नहीं बोला। हाँ, मुझे टैन इनवर्स हटाना है, टैन इनवर्स हटाने के लिए डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है हमें, लेकिन मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे ये फार्मूला यूज कर रहा हूं। अगर आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, राइट हैंड साइड का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो वो पॉसिबल है, ठीक है ना। तो मैं ये फार्मूला यूज करूंगा, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मुझे अगर मैं टैन इनवर्स को एक बार विथ रिस्पेक्ट टू एस से डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे एफ ऑफ टी के साथ एक टी आएगा और एक माइनस साइन आएगा, मतलब माइनस वन को पावर वन है। मैं ये कहना चाहता हूं, मतलब ये वाला फार्मूला मैं यूज करना चाहता हूं, ओके। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला यहाँ पे क्या होगा, सो देयरफॉर यहाँ पे लैपलेस, ओके, अगर मैं एफ ऑफ टी के साथ, ठीक है, अगर मैं एफ ऑफ टी के साथ एक टी लिखता हूं और यहाँ पे माइनस वन को पावर वन लिखता हूं, टी को पावर वन लिखता हूं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको टैन इनवर्स को एक बार डिफरेंशिएट करना है। सो यहाँ पे डी अपॉन डी एस, इसका डेरिवेटिव टैन इनवर्स ऑफ टू बाय एस, ठीक है ना। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा,
इसका डेरिवेटिव होगा टैन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1+, ठीक है ना, जो भी उसके एंगल में उसका स्क्वायर, और बाद में एंगल की डेरिवेटिव सेपरेट, मतलब क्या यहाँ पे 1/1, यहाँ पे 1+, ओके एंगल में है 2/s, तो 2/s का क्या आएगा स्क्वायर, ओके इनटू, अब 2/s का सेपरेट डेरिवेटिव करो तो 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ओके और 1/s का डेरिवेटिव होता है -1/s² लाइक दैट, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वेयरिंग करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1/ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैं माइनस साइन देता हूं, ठीक है, और यहाँ पे 2 है तो 2 लिखता हूं, क्लियर है ना। अब यहाँ पे होगा 1+, यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा 4/ यहाँ पे s², ओके और इंटू यहाँ पे 1/s², ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना मिलता है, अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं -2/ में यहाँ पे आएगा s² + 4, ठीक है, हाँ अपॉन में आएगा s² और यहाँ पे 1/s², ये s² अपॉन के अपॉन में न्यूमरेटर में चला जाएगा, s² के साथ s² क्या हो जाएगा कैंसिल, ओके तो यहाँ पे आंसर कितना मिलता है -2/s² + 4, ओके मतलब आपको क्या मिला आंसर, सो देयरफॉर आपको आंसर मिलता है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अगर मैं यहाँ पे लैप्लास लेता हूं -1^(1), मतलब -t f(t) का, ठीक है, और यहाँ पे = इसका आंसर कितना आता है -2/s² + 4 आता है, ओके ना। अब मुझे बताइए आप इसका लैप्लास ले सकते हो -2/s² + 4 का, बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है ना। अब देखो इसका इनवर्स लैप्लास ले सकते हो, यहाँ पे यल है, यल को राइट में लेके जाओ क्या मिलेगा आपको, एल इनवर्स मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -t, यहाँ पे f(t) = यहाँ पे -2 कॉन्स्टेंट है बाहर, यहाँ पे एल इनवर्स ऑपरेट होगा 1/ सॉरी यहाँ पे माइनस साइन कॉन्स्टेंट है बाहर, ओके यहाँ पे एल इनवर्स किसका, एल इनवर्स 2/ यहाँ पे s² + 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया था, ओके ना। अब देखो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले में फिट हो गया, ठीक है ना, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले में फिट हो गया, ये -sin गेट कैंसिल, ओके बताइए इसका इनवर्स लैप्लास क्या होता है 2/s² + 2 किसका लैप्लास है, ये लैप्लास है sin 2t का, करेक्ट है ना, ये लैप्लास किसका है sin 2t का, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा t f(t) बचा, ओके तो आपका f(t) का आंसर कितना मिला, f(t) का आंसर मिलता है sin 2t/t, ओके और आपका f(t) क्या है, आपका f(t) ये है कि आपने tan इनवर्स ऑफ 2/s का इनवर्स आपने क्या अज्यूम किया था, f(t) अज्यूम किया था, ओके और आपको f(t) का आंसर मिला sin 2t/t, तो ये होता है आपका आंसर, मतलब tan इनवर्स ऑफ 2/s इसका यल इनवर्स होता है sin 2t/t, क्लियर है, बहुत आसान है, क्या करना है फिर से एक बार रिपीट करता हूं, जिसका लैप्लास इनवर्स निकालना है उसको f(t) अज्यूम करना, यल इनवर्स को राइट में लेके जाना, लैप्लास ऑफ f(t) = tan इनवर्स ऑफ 2/s हो जाएगा, बाद में ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना, मतलब कौन सा है f(r) ऑफ s को अगर आप एक बार डिफरेंशिएशन करना चाहते हो तो f(t) के साथ t आएगा और एक माइनस साइन आएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे लैप्लास इसका, सो यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो f(t) है उसके साथ एक t दे दिया और माइनस साइन दे दिया, तो मैं राइट हैंड साइड में जो s का फंक्शन है उसको एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा, ठीक है, अगर आपको इसको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है तो f(t) के साथ t² लिखना पड़ेगा और -1/2 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, इस तरीके से चल जाएगा। बाद में इसका डेरिवेटिव किया 1/1+2/s इसका होल स्क्वायर और यहाँ पे 2/s का सेपरेट किया, 2 का कांस्टेंट बाहर, 1/s का -1/s² क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मुझे इतना मिला -2/s² + 4। लेफ्ट हैंड साइड में लैप्लास ऑफ -t f(t) था, इसको लैप्लास को राइट में ले गया है, बन गया एल इनवर्स, ओके एल इनवर्स ऑफ 2/s² + 2 स्क्वायर। अब इसका एल इनवर्स का फॉर्मूला होता है sin 2t, माइनस साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पे t डिवीजन में आ जाएगा, तो f(t) का आंसर मिलता है आपको, f(t) मिलता है sin 2t/t। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ता है कॉट इनवर्स, टैन इनवर्स और लॉग के एग्जांपल्स, ठीक है ना, और एक दो एग्जांपल्स देखते हैं, पहले इतना लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल, ओके सेकंड एग्जांपल है लॉग का, ठीक है, आपको लॉगरिथमिक फंक्शन का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है, ओके प्रोसेस सेम है, फॉर्मूला आपको पता है, ओके तो क्या अज्यूम करोगे, जिसका इनवर्स निकालना है सबसे पहले उसको f(t) अज्यूम कर लेना, ओके सो लेट यहां पे मैं अज्यूम करता हूं, लेट यल इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ 1/1/s², ओके = f(t), ओके मैं ऐसा अज्यूम करता हूं कि जब मैं इस लॉग ऑफ 1/1/s² का अगर इनवर्स लेता हूं तो इसका आंसर मुझे किसके फॉर्म में मिलता है, f(t) के फॉर्म में मिलता है, ऑब्वियसली s के फंक्शन का इनवर्स का आंसर आपको f(t) के फॉर्म में मिलेगा और f(t) के लैप्लास का आंसर आपको s के फॉर्म में मिलेगा, ओके रिवर्स लेटर,
तो इसका मैंने f ऑफ t अज्यूम किया, अब l इनवर्स को राइट में लेके जाओ, सो देयरफॉर यहां पे आएगा लैपलेस ऑफ f ऑफ t, ओके नाउ इज इक्वल टू, ये मिलेगा आपको log ऑफ 1 प्लस 1 बाय s स्क्वायर। ठीक है, आप देखो मुझे log को हटाना है, ठीक है, मुझे log का इनवर्स पता है क्या? नहीं पता है मुझे, log को हटाना है, log को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव ऐसा वर्ड यूज नहीं करूंगा, ओके, यहाँ पे ऐसा मत लिखना कि डिफरेंशिएट बोथ द साइड, बिल्कुल भी नहीं, ओके, डिफरेंशिएट बोथ द साइड लिखना, लिखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ओके, तो इसके लिए फार्मूला क्या है? इसके लिए मैं देखो, मैं यहाँ पे फार्मूला लिखता हूं कि अगर सपोज करो कि आपके पास एक एस का फंक्शन है, ठीक है ना, ये जो एस का फंक्शन है ये किसी टी के फंक्शन का लैपलेस है, करेक्ट है ना, ये जो एस का फंक्शन है ये किसी टी के फंक्शन का लैपलेस का आंसर है, ओके। अगर सपोज करो कि आपको इस एस के फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना है एक बार, ठीक है ना, इस एस के फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना है एक बार, तो राइट हैंड साइड में क्या चेंज हो जाएगा? एफ ऑफ टी के साथ एक टी आ जाएगा और यहां पे आएगा माइनस वन को पावर वन आ जाएगा, सिंपल, ठीक है ना, एक बार डेरिवेटिव करना है तो माइनस वन को पावर वन आएगा, टी को पावर वन आएगा, किसके साथ? एफ ऑफ टी के साथ, आपको ये फार्मूला यूज करना है, ओके। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, कि सपोज करो कि अगर मुझे यहां पे एक बार डिफरेंशिएशन करना, ओके, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, यहां पे लिखता हूं लॉग ऑफ, ओके देखो, हाँ एक मिनट पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते, ओके, हाँ देखो यहां पे क्या होगा, लॉग ऑफ, मैं यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, एस स्क्वायर प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर, ओके। अब देखो लॉग ऑफ ए बाय बी है, लॉग ऑफ ए बाय बी है, तो यहां पे लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, ये प्रॉपर्टी मैं यूज कर सकता हूं लॉग की, ओके, तो यहां पे आएगा लॉग ऑफ, यहां पे एस स्क्वायर प्लस वन माइनस यहां पे लॉग ऑफ एस स्क्वायर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम इस टू को आप लॉग के पहले भी लिख सकते हो, ये भी पॉसिबल है, ओके, नहीं तो फिलहाल रहने दो इतना ही, ओके। तो ये मिलता है आपको लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी, ओके, कोई एक फंक्शन है अननोन एफ ऑफ टी जिसका लैपलेस कितना आता है, लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस वन माइनस लॉग ऑफ एस स्क्वायर आता है, ओके। अब मुझे देखना है कि वो फंक्शन कौन सा है, यहाँ पे अब देखो ना, अगर मैं यल को राइट में लेके जाऊंगा तो यल इनवर्स बन जाएगा, लेकिन यल इनवर्स ऑफ लॉग ऐसा कोई फार्मूला नहीं आपके पास है क्या, ऐसे कौन सा फंक्शन है जिसका आंसर लॉग में आता है, मतलब ऐसा कौन से फंक्शन का लैपलेस, ऐसा कौन सा फंक्शन है अगर मैं उसका लैपलेस लेता हूं तो मुझे आंसर लॉग के फॉर्म में मिलता है, पता है क्या? नहीं पता, ओके, और इसके लिए हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएशन करेंगे, ओके। अब राइट हैंड साइड को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चेंज होता है, अगर राइट हैंड साइड को मैं एक बार डेरिवेटिव करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे एफ ऑफ टी के साथ एक टी आता है और एक माइनस साइन आता है, अगर मैं राइट हैंड साइड को दो बार डिफरेंशिएशन करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, दो टी आएंगे, मतलब टी स्क्वायर आएगा और माइनस वन को पावर टू आएगा, ओके। तो मैं ये फार्मूला यूज करता हूं, यूजिंग दैट फार्मूला, ओके। अब देखो क्या होगा कि अगर मैं राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएशन करता हूं, ओके, नो मतलब डी अपॉन डी एस, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लॉग ऑफ यहां पे एस स्क्वायर प्लस वन माइनस यहां पे लॉग ऑफ एस स्क्वायर, ओके ना, अगर मैं राइट हैंड साइड को एक बार डिफरेंशिएट करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड में लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी, तो इस एफ ऑफ टी में क्या चेंज होगा, एफ ऑफ टी के साथ माइनस वन को पावर वन आएगा और एक टी मल्टीप्लीकेशन में आएगा, ध्यान में रखना, ओके। अगर आप राइट हैंड साइड को एक बार डिफरेंशिएट करते हो ये फार्मूला यूज करके, ओके, नाउ अब जरा डेरिवेटिव करो, सबसे पहले लॉग का, ओके, क्या होगा, लॉग हट जाएगा, ये जो एंगल है इसका ये जो एस स्क्वायर प्लस वन ये डिनोमीटर में चला जाएगा, तो मतलब वन अपॉन यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस वन, ओके, ये हो गया लॉग का डेरिवेटिव, ओके। अब इसका एंगल का कर लो, ठीक है, एस स्क्वायर प्लस वन का सेपरेट करो, तो एस स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव टू एस और वन का कितना जीरो माइनस, ओके, लॉग ऑफ एस स्क्वायर का लॉग हट जाएगा, ये एस स्क्वायर है डिनोमीटर में चला जाएगा वन बाय एस स्क्वायर, अब एस स्क्वायर का सेपरेट करो, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है टू एस, तो यहाँ पे एक एस क्या हो जाएगा कैंसल, ओके, तो यहाँ पे कितना मिला, यहाँ पे मिलता है आपको टू एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस वन माइनस यहाँ पे कितना है वन बाय सॉरी टू बाय एस, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपका, हाँ अब लेफ्ट हैंड साइड में है आपका माइनस वन को पावर वन मतलब माइनस यहाँ पे टी यहाँ पे एफ ऑफ टी है, करेक्ट है, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर है ना। अब देखो अब मुझे इसका इनवर्स लैपलेस पता है, ऑब्वियसली पता है, ठीक है ना, ये हमारे स्टैंडर्ड फार्मूले में रिड्यूस हो गया, अब यल को राइट में लेके जाऊंगा बन जाएगा ये इनवर्स, सो देयरफॉर यहाँ पे माइनस टी यहाँ पे एफ ऑफ टी इज इक्वल टू यहाँ पे टू कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लो, यहाँ पे यल इनवर्स ऑपरेट होगा पहले फंक्शन पे यस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन पे, ओके, या फिर ऐसा लिख सकते हो कि ऑपरेट इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड, तो यल इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे दोनों टर्म पे यल इनवर्स ऑपरेट होगा, ओके, तो यहाँ पे माइनस टू कॉन्स्टेंट है यहाँ पे यल इनवर्स ऑफ कितना वन बाय यस, ठीक है ना। अब देखिए टू, अब ये वन किसका स्क्वायर है, वन का स्क्वायर है,
तो s अपॉन s स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर किसका लाप्लास सही है, ये cos 1t, यहां पे 1 है तो 1t, ओके तो यहां पे 2 cos of t माइनस यहां पे 2, ओके 1 बाय s किसका लाप्लास है, दो दो फंक्शन है 1 बाय s, ठीक है ना, 1 बाय s दो दो फंक्शन का लाप्लास रहता है, एक आता है यूनिट स्टेप फंक्शन u of t का, दूसरा आता है 1 का, तो हम सिंपल लिखेंगे 1, ओके तो 1 बाय s जो है वो 1 का लाप्लास है, तो यहां पे l इनवर्स ऑफ 1 बाय s आ जाएगा 1, तो आंसर कितना मिला आपको, 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, ओके यहां पे माइनस टी, यहां पे f of t है, क्लियर है ना। अब मैं देखो ये माइनस साइन को राइट में लेके जाऊंगा तो ये माइनस और ये प्लस बन जाएगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि यहां पे माइनस साइन है, ओके तो माइनस साइन से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पे आएगा टी एफ ऑफ टी, ओके यहां पे आएगा 2, ये बन जाएगा पॉजिटिव, ये बन जाएगा नेगेटिव, माइनस 2 कॉस टी, ठीक है। अब टी मल्टीप्लीकेशन में इधर क्या था डिविजन में, तो एफ ऑफ टी क्या मिलेगा आपको, एफ ऑफ टी मिलेगा 2 कॉन्स्टेंट है बाहर कॉमन है, ओके 1 माइनस यहां पे कॉस टी, ओके अपॉन में कितना टी, तो ये जो फंक्शन है एफ ऑफ टी, ये आपका आंसर, ठीक है ना। अगर आप इसका लाप्लास लोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाय एस स्क्वायर, ठीक है, काफी आसान प्रॉब्लम है, ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। और एक एग्जांपल देखते हैं इसके लिए, पहले एक लिख लीजिए, ओके अब देखते हैं थर्ड एग्जांपल, ओके एक टैन इनवर्स का हो गया, एक लॉग का हो गया, आप देखते हैं कॉट इनवर्स का, आपको इस कॉट इनवर्स ऑफ एस प्लस ए अपॉन बी का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है, ओके तो प्रोसेस आपको पता है, अज्यूम करना कि एल इनवर्स, ठीक है ना, इसका जो एल इनवर्स आता है वो टी के फॉर्म में आता है, मतलब एफ ऑफ टी के फंक्शंस मिलता है, ऐसा अज्यूम करना लेट, ओके सो मैंने अज्यूम किया कि लेट कॉट इनवर्स ऑफ एस प्लस ए अपॉन बी इज इक्वल टू कितना आता है, एफ ऑफ टी आता है, एल इनवर्स को राइट में लेके जाओ तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ एस प्लस ए अपॉन बी, ओके अब कोई ऐसा टी के फंक्शन का लाप्लास, देखो कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या जिसका अगर मैं लाप्लास लेता तो मुझे आंसर कॉट इनवर्स के फॉर्म में मिलता है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है क्या, नहीं है, ओके तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला कैसे है, 1 अपॉन एस, एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके या फिर ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो कॉट इनवर्स वाला ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला लाप्लास का नहीं है, तो सबसे पहले मुझे कॉट इनवर्स को रिमूव करना पड़ेगा, यहां से कॉट इनवर्स को रिमूव करने के लिए मुझे इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 1 टाइम्स, ओके तो मैं यहां पे डायरेक्ट डेरिवेटिव करता हूं ऐसा नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा यहां पे यूजिंग फार्मूला, अगर मुझे एस के फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करना है तो एफ ऑफ टी में क्या चेंज होता है, एफ ऑफ टी के साथ एक टी मल्टीप्लीकेशन में आता है और एक माइनस साइन मल्टीप्लीकेशन में आता है, ओके तो अगर मैं यहां पे कॉट इनवर्स को अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, सो देयरफॉर, ओके देखो देयरफॉर कि यहां पे अगर मैं, ठीक है, यहां पे अगर मैं एक बार डेरिवेटिव करता हूं किसको, कॉट इनवर्स ऑफ एस प्लस ए अपॉन बी को, ओके कॉट इनवर्स ऑफ एस प्लस ए अपॉन बी को, मतलब एस के फंक्शन को अगर मैं एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो एफ ऑफ टी जो रहेगा, एफ ऑफ टी के साथ आपको एक टी मल्टीप्लीकेशन में आएगा और एक माइनस साइन मल्टीप्लीकेशन में आएगा, ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है। अब क्या करूंगा मैं, राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी है, क्लियर ना, हाँ इज इक्वल टू, चलो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव निगेटिव में आता है, ओके सो माइनस यहाँ पे वन अपॉन वन प्लस जो भी एंगल है उसका स्क्वायर, एंगल कितना है एस प्लस ए अपॉन बी, तो यहाँ पे एस प्लस ए अपॉन बी इसका होल स्क्वायर, ओके ये हो गया कॉट इनवर्स का। अब ये जो एंगल है इसका सेपरेट करो, ओके ना, इसका सेपरेट क्या होगा, एस का डेरिवेटिव होगा वन, ये क्या होगा जीरो, अपॉन में बी का जीरो नहीं लिखना है क्योंकि बी डिविजन में है, ओके अगर कॉन्स्टेंट एस के साथ डिविजन में आते हैं मल्टीप्लीकेशन में आते हैं तो कॉन्स्टेंट एज इज रहता है, ओनली एस के फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, अगर कॉन्स्टेंट एस के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन में आते हैं तो उसका डेरिवेटिव जीरो होता है कॉन्स्टेंट का, ओके ना, तो यहाँ पे बी एज इट इज रहेगा, क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे माइनस वन अपॉन यहाँ पे आएगा बी स्क्वेयर प्लस यहाँ पे एस प्लस ए का होल स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर, ओके एस प्लस ए का होल स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर दोनों का स्क्वेयर होगा, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे वन अपॉन बी है, ओके यहाँ पे एक भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये भी अपॉन के अपॉन में, ये न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो यहां पे आएगा माइनस, ओके यहां पे बी अपॉन में यहां पे एस प्लस ये इसका होल स्क्वायर प्लस कितना यहां पे बी स्क्वायर, ओके ना, यहां पे है लैप्लास इसका माइनस यहां पे टी एफ ऑफ टी का, ओके क्या आपको इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पता, ऑब्वियसली पता है, यहां पे क्लियरली दिख रहा है एस को रिप्लेस किया गया है किससे, एस प्लस ए से, तो मतलब यहां पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी उन्होंने यूज की होगी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये माइनस साइन के साथ माइनस साइन कैंसिल, यहाँ पे टी एफ ऑफ टी आएगा, ओके नो एल को राइट में लेके जाओ तो यहाँ पे एल इनवर्स आएगा, यहाँ पे बी अपॉन यहाँ पे
एस प्लस ये इसका होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे बी स्क्वायर है, ऊपर बी आए मतलब साइन का फॉर्मूला होगा। ओके, यहाँ पे यस को रिप्लेस किया गया है यस प्लस ए से, इसका मतलब यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज किया है। ओके, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कैसे, यस को अगर यस प्लस ए से रिप्लेस किया है तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया होगा, प्लस ए से रिप्लेस किया है तो ई के पावर में माइनस ए टी आया होगा। क्लियर है? अब ए का काम हो गया, उसको हटा दो, बचा कौन, बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसका लैपलेस है ये, बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है साइन बी टी का लैपलेस। ओके, नाउ साइन बी टी का, तो यहाँ पे टी इंटू एफ ऑफ टी का आंसर मिलता है ई टू दी पावर माइनस ए टी साइन बी टी। ओके, तो अब यहां से हम एफ ऑफ टी निकालेंगे, एफ ऑफ टी कितना होगा, ई टू दी पावर माइनस ए टी। ओके, नाउ यहाँ पे आएगा साइन बी टी अपॉन में कितना, अपॉन में सॉरी अपॉन में टी। ओके, तो ये होता है आपका एफ ऑफ टी, मतलब इसका अगर आप लैपलेस लोगे तो आपका आंसर मिलेगा कॉट इनवर्स ऑफ एस प्लस ए अपॉन बी। तो ये रहेगा आपका इस फंक्शन के इनवर्स का आंसर। ठीक है, समझ में आया? तो मेरे ख्याल से तीन एग्जांपल सफिशियंट है, बाकी एग्जांपल मैं आपको होमवर्क देता हूं, ठीक है ना, उसको सॉल्व कर लीजिए घर में और चेक कर लीजिए, नहीं आते तो बार बार वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना, पक्के में आएंगे आपको, आपको ऑनली डेरिवेटिव्स करना है और लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज आपको लर्न होनी चाहिए। क्लियर है? इसके बाद कुछ होमवर्क लिख लो या आप ये टॉपिक क्लोज करते हैं, पहले होमवर्क लिख लो। ओके, ये कुछ होमवर्क्स है, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, नहीं आता है तो बार बार वीडियो देख लीजिए और ट्राई करते रहिए, आपको परफेक्टली इसके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ।